अभी अभी शिवान से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवान में वीडियो के ड्राइवर और बेटे को अपराधियों ने गोली मार दी है। बिहार में बढ़ते अपराध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त बड़ी खबर शिवान से जहां अपराधियों ने वीडियो के ड्राइवर को गोली मार दी है, अपराधियों ने चालक के बेटे को भी अपना निशाना बनाया है। दोनों गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरी वारदात जिले के हुसैनगंज थाना इलाके की है, जहाँ सरया इलाके में अपराधियों ने हुसैनगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा प्रसाद के ड्राइवर को गोली मार दी है। उसके बेटे पर भी हमला किया गया है। दोनों गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत ताजुक देख पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। वहीं ड्राइवर निजामुद्दीन उर्फ भोला, जो ड्राइवर है, और पुत्र बिट्टू, जो दोनों पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। वहीं ड्राइवर को पेट व जांघ के नीचे गोली लगी है, जबकि पेट में गोली अभी भी फंसी हुई है और बेटा बिट्टू गोली छूकर निकल गई है। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। हम लोग अब्बा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ड्राइवर हैं, उनको मीटिंग में थे कल्टीवेट में, तो फ़ोन किए कि गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल लेके आओ कोई सवारी। हम गए लाने के लिए। हाँ, एक सनिया मोड़ क्या, और इधर एक आम का पेड़ था, वहीं दो आदमी बाइक लेके खड़े थे और रोक करके हम लोगों को रोके, तो तड़ गोली चलाने लगे। दोनों लोगों को गोली लगी है। कुछ चिंताई भी करना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो बोले रोक और तड़ गोली चलाने लगे। हम लोग वहीं गिर गए। गिरने के बाद से उठने के बाद एक बाइक उधर से आ रहा था, वो बोला क्या हुआ भैया? हम बोले कि दो आदमी अभी भाग गए गोली मारकर, हम दोनों आदमी। उसके बाद से आप पहचाने हैं कौन लोग हैं? वो लोग कुछ पहचान हो रही है? पहचान तो एक आदमी को पहचान रहे उसमें, लेकिन रात का समय था, अंधेरा था, इसलिए हम सही से उनको नहीं पहचान नहीं पाए, लेकिन चेहरा याद है हमको। कोई विवाद वगैरह कुछ है? नहीं, कोई बात नहीं। किसी घटना कहाँ की है, किस जगह पे हुई है? सरया मोड़ के इधर एक आम का पेड़ था, वहीं पे।